जो आपकी वेल्थ को इनक्रीज करेंगे और आप आपका पैसा इतनी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा कि आप भी कहेंगे वाओ, जो बैंक नहीं दे पाएगी। आजकल क्या है, लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक्स ख़रीदें, क्योंकि आजकल इतने सारे स्टॉक हो गए मार्केट में, हज़ारों स्टॉक हैं, उनमें कौन सी कंपनी आगे बढ़ेगी, कौन सी कंपनी नहीं बढ़ेगी, किसमें क्या रहेगा, किसी को नहीं पता। तो आपको हम आपको दो ETF बताने वाले हैं जिसको आप इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना, चाहे आप करोड़ों रुपए भी लगा दोगे ना तो भी वो सेफ ही रहेंगे, करना हमारे तरीके से, हम बताएंगे उस तरीके से सबसे बेस्ट है। चलिए बताते हैं कौन से हैं वो ETF। मार्केट अपने हाई पे चल रहा है, 20,000 को निफ्टी पार कर चुका है और कई लोग कैश लेके बैठे हैं कि अपने कैश को कहाँ डालते हैं, बैंक में डालेंगे तो 4-5% रिटर्न मिलेगा, लेकिन ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर डाल दें जिससे पैसा बैंक से ज़्यादा मिले और रिस्क भी बहुत कम रहे। तो सबसे पहला ETF है निफ्टी 50 ETF, निप्पॉन इंडिया ETF जूनियर 20। ओके, ये देखिए जूनियर 20 क्या होता है, निफ्टी ETF से थोड़ा सा नीचे, जिसकी कंपनी मार्केट कैप 1,000 करोड़ के आसपास रहता है वो इस कैटेगरी में आते हैं, जूनियर 20 की कैटेगरी में। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। जैसे कि ये चार्ट देखें तो 5 साल का अपन पकड़ते हैं, 5 साल का देखिए 59.58% लगभग 60% रिटर्न मिला है, जो कि बुरा नहीं है। 12% सालाना रिटर्न मिला है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न मानता हूँ मैं इसको। और अगर आप इसमें SIP करते हैं, और करना आपको SIP रहेगा, क्योंकि SIP से जो काम होता है ना उसमें आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो रहता है। हमारी इंडिया की ग्रोथ आगे बढ़ती रहेगी और हमेशा बढ़ी है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, क्योंकि आप टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 1,000 करोड़ के ऊपर है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ऐसी कंपनी है। ठीक है, 50 कंपनियों में एक साथ इन्वेस्टमेंट हो रहा है ETF की मदद से। देखिए इन्वेस्टमेंट यानी कि 6,000 रुपये, 100 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट का इसमें अमाउंट दिखाया हुआ है, लगभग रिटर्न है 39% का, जो कि बहुत अच्छा है। अगर 8% सालाना रिटर्न मिल रहा है आपको SIP में। ये देखिए इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में NAV रियल टाइम NAV से क्लोज हुई है, एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है इसका, ट्रैकिंग एरर भी कोई नहीं है, और FD रेट से भी अच्छा रिटर्न है, और ओवरबोर्ड जोन में भी नहीं है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास अमाउंट ज़्यादा है, कम भी है तो भी करें, ज़्यादा है फिर भी करें, क्योंकि आप इसमें एक SIP सिस्टमेटिक प्लान लगा देना, हर महीने या हर 15 दिन में आपका अपने आप बाय होता रहे, इससे क्या है आपकी रिस्क बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, पहला है हमारा ये वाला। दूसरा बताते हैं आपको, दूसरा है हमारा निप्पॉन इंडिया का ETF निफ्टी 20। जी हाँ, ये निफ्टी 50 में काम करता है, जो हमारे लार्ज कैप स्टॉक हैं जो सारे निफ्टी 50 में हैं उनमें ये पैसा लगाते हैं, यानी कि उन 50 होल्डिंग्स को आप ख़रीद रहे हैं, निफ्टी 50 की टॉप कंपनियों को आप खरीद चुके हैं इसके माध्यम से। ये लार्ज कैप में है और लिक्विडिटी इसकी हाई रहती है, कितना भी पेमेंट आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी स्टॉक्स हो तुरंत बिक जाता है। ठीक है, इसका भी 5 साल का ग्राफ देखते हैं, तो ये देखिए रिटर्न, भाई साहब 85% रिटर्न दिया है, 5 साल का निफ्टी ने 85% रिटर्न दिया है। ठीक है, जो कि लगभग 13% के आसपास रहता है, और मैक्सिमम की बात करें जब से ये निफ्टी स्टार्ट हुआ है, निफ्टी इसमें 8 साल का रिटर्न दिख रहा है, ये देखिए 2015 से इसका ग्राफ स्टार्ट हुआ है, 162% रिटर्न दिया है, यानी कि 20% से भी ऊपर सालाना रिटर्न। तो इससे सस्ता और इससे अच्छा क्या रहेगा, बिल्कुल सेफ, हम सेफ में मानते हैं, क्योंकि जैसे कि ये 220 रुपये चल रहा है, आपने ख़रीद लिया, 210 आ गया फिर भी ख़रीद रहे हो, 200 आ गया फिर भी ख़रीद रहे हो, मार्केट गिरेगा तो और अच्छा होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है। मार्केट बढ़ेगा तो करना ही है, मार्केट गिरेगा तो और ज़्यादा करना है, तो फिर देखना आपका एक एवरेज रहेगा 220, निफ्टी पहुँचेगा 350, क्योंकि इंडिया ग्रोथ पर है,
और आज से 10 साल बाद कहाँ होगा, आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं 10 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ हो। सो बिल्कुल भी टेंशन ना लेते हुए इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में 60-40 का रेशियो रख के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि आपको 1 लाख करना है तो 60% इसमें और 40% उसमें जूनियर 20 में, हर महीने SIP लगा देना। सो आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाएगा। और हाँ, जब भी मार्केट गिरे इसमें आप अपनी होल्डिंग बढ़ाते चलें। और अगर आप हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको 5 बेनिफिट देते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, सामने देखिए आपके दिख रहा है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप ओपन करिए हमारी लिंक से अकाउंट और आपको 5 बेनिफिट, वो कोई नहीं सिखाता, वो हम सिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको रियल कंटेंट और बढ़िया कंटेंट और पैसा कमाने की टिप्स मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अभी कर लो, आपसे बोलते नहीं तब तक आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान, हमने ऐसे ऐसे स्टॉक बताए हैं जो लाखों रुपए लोगों ने कमाए हैं। हमारे पास मल्टीपल स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट हम बताते रहते हैं जो कि लोगों को बहुत पैसा छपवाती है, कमाती तो है, छापते हैं लोग। तो आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारी लिंक से अकाउंट ओपन कर लें, जरूदा आप स्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग तीनों में से किसी में भी आप अकाउंट ओपन करना, हमारी सर्विस आपके लिए बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। तो आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा, और आप अभी किस प्लान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या कहाँ पैसा लगा रहे हैं, आप मुझे बताइए, हम आपको और बेटर सजेस्ट करेंगे। थैंक यू, बाय।